राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल केकेस काउचा में। और आज हम लोग जा रहे हैं छतरपुर मंदिर, जिसको कात्यायनी मंदिर भी कहा जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध है दिल्ली का मशहूर छतरपुर टेंपल, और यहाँ पर लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। तो चलिए मंदिर में चलते हैं। और आ चुके हैं हम छतरपुर मंदिर में, जिसमें अभी डेकोरेशन चल रही है, नवरात्रे आने वाले हैं इसलिए। तो आप लोग देख सकते हैं जोर शोरों से काम चल रहा है यहाँ पे डेकोरेशन का। और ये मंदिर स्टार्ट होता है यहाँ से, और यहाँ पे पूरा एकदम हॉल बना हुआ है बीच में। और ये मंदिर में अंदर जाने के लिए ग्रिल लगी हुई है, लाइन बनाकर जा सकते हैं आराम से बिल्कुल। और बहुत सुंदर अद्भुत कलाएं इसके अंदर दिखाई गई हैं, ये देखिए। और आप देख रहे हैं सामने शिव जी और पार्वती जी की, यहाँ पर बहुत ही सुंदर विग्रह है। और आप चलिए देखते हैं। और यहाँ पे नंदी जी भी हैं राइट साइड में, ये देखिए नंदी जी का यहाँ पे विग्रह बनाया गया है। और आप दर्शन करिए नंदी जी का, और चलिए अंदर चलिए मंदिर में देखेंगे। ये देखिए पार्वती हैं और साथ में भोले शंकर, कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। और ये जो विग्रह है, और ये देखिए अंदर चलिए मंदिर में। और अब आ चुके हैं हम ये माथा टेक कर, और हम माता रानी को, कात्यायनी माता हैं ये हमारी, इनका दर्शन कर रहे हैं आप। और ये देखिए कितना सुंदर अद्भुत श्रृंगार कर रखा है माता रानी ने। और ये पूरा सिल्वर कलर का मंदिर है अंदर से, आपने देखा। और ये देखिए ये हैं हमारे बाबा नागपाल महाराज जी, जिन्होंने ये मंदिर बनवाया है। और आप देख रहे हैं कितना बढ़िया एकदम नक्काशी की गई है एक एक पिलर पर, और बहुत बड़ा बनाया है इस मंदिर को। और इसमें फोटोज रील बना सकते हैं आप आकर यहाँ पे। और ये हनुमान जी हैं हमारे, हनुमान जी के दर्शन करिए आप। और ये देखिए यहाँ है राम दरबार, हमारे प्रभु श्री राम का दर्शन करिए आप लोग। जय श्री राम। और चलिए आगे चलती हैं। और यहाँ पर हैं ये हमारे राधा और मोहन, और यहाँ पे हैं बड़े से हनुमान जी, जो कि बहुत सुंदर हैं। और साथ में दोनों तरफ शेर बैठे हुए हैं, हाथी हैं यहाँ पे मेटल के। और ये देखिए कितना सुंदर विग्रह है हनुमान जी का, खूब विशाल विग्रह है मंदिर के अंदर ही। और यहाँ पे बड़े बड़े जागरण कीर्तन वगैरह भी होते हैं इस हॉल के अंदर। तो यहाँ पे जब भी नवरात्रे चालू हो जाते हैं तो यहाँ पे जागरण वगैरह किया जाता है। और यहाँ पे चलिए हम शयन जहाँ करती हैं माता रानी, वहाँ दर्शन आप कराते हैं। ये उनकी जगह है जहाँ पे माता रानी शयन करती हैं, ये देखिए आप लोग। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये देखिए यहाँ पे शीशा लगा हुआ है, और श्रृंगार का पूरा सामान रखा गया है माता रानी के लिए। और ये सारा सामान बंगाल से आता है, ये जो कारपेट आप देख रहे हैं स्पेशल वहाँ से ही मंगवाया जाता है ये सारा सामान, डेकोरेशन का सामान भी। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये सब रखा हुआ सामान, श्रृंगार का, सारे श्रृंगार का सामान। और ये देखिए यहाँ पे राइट साइड में सोफा है, और ये महाराज जी का आप विग्रह देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है, और एकदम सच के लगते हैं महाराज जी। और कितना सुंदर बनाया गया है विग्रह को। और आप चलिए बाहर देखिए, ये हैं हनुमान जी का विग्रह, बाकी यहाँ पे राम जी हैं। और देखिए आगे यहाँ सब डेकोरेशन अभी चल ही रही है, क्योंकि अभी नवरात्रे आने वाले हैं। तो आप नवरात्रों में ज़रूर आइएगा छतरपुर टेंपल में, कात्यायनी मंदिर भी बोला जाता है। और बहुत विशाल मंदिर बनाया है, आधी चीज़ें अभी बंद करी हुई थी, बाद में अंदर जाने के लिए एंट्रेंस मिलेगा। और ये देखिए मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही थी, और बाकी लोग भी यहाँ पे रील बना रहे थे, जो मेरे कज़न्स आए थे मेरे साथ में। और बहुत सुंदर यहाँ पे रील्स बना सकते हैं आप, बहुत खाली खाली था क्योंकि हम लेट गए थे रात को।
और चलिए हम छतरपुर के मेट्रो स्टेशन से नियरेस्ट ही है ये, आप वॉकिंग से करके भी जा सकते हैं और नीचे से रिक्शा भी ले सकते हैं। चलिए अब हम मेट्रो से चलते हैं, मेट्रो में चलकर हम वीडियो शूट करेंगे। बाकी ये देखिए आप, कितना सुंदर रोड है यहाँ पे, ये देखिए चंद्रमा जी दिख रहे हैं एकदम। और ये सड़क में काफ़ी रश होता है, जैसे आप शाम के टाइम देखेंगे तो। और हम आ गए मेट्रो स्टेशन में, और फिर हमने थोड़ा सा रील बनाया, कुछ वीडियोस चलिए बनाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। एक लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।